मुन्नार, गॉड्स ओन कंट्री। स्वागत है आपका ट्रैवल हॉलिक अरविंद के साथ इस सीनिक व्यू के अंदर, जिसमें आप इंजॉय लेंगे मुन्नार की वादियों का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। ये सीरीज़ आप देख रहे हैं दिल्ली से कन्याकुमारी की, और अभी हम हैं मुन्नार के अंदर। आज हम मुन्नार से चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं थेकड़ी। तो आपको दिखाएंगे मुन्नार से थेकड़ी का रास्ता। वैसे तो 2.5 घंटे की जर्नी है, किलोमीटर भी 92 है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। बट सीनिक व्यू कैसे होते हैं, रास्ता कैसा है, रोड कैसी है, वो आपको दिखाते हैं। और थेकड़ी के अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी में रुकते हैं और क्या क्या है वहाँ पे करने को एक्टिविटीज़, और वहाँ पे क्या ऐसा है जो हम थेकड़ी जा रहे हैं, तो वो आपको सब दिखाते हैं इसी वीडियो के अंदर। बने रहिए आगे तक। तो दोस्तों, हम निकल रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी क्लब महिंद्रा मुन्नार से थेकड़ी के लिए। थेकड़ी। ये देखो, ये सामने लिखा हुआ क्लब महिंद्रा मुन्नार, और यहाँ से हम राइट हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे जाओगे, कल दिखाया था आपको मैंने कि स्टर्लिंग है यहाँ पे, लेकिन हमको जाना है अब सीधा हमारा थेकड़ी पे। मुन्नार आओ तो एटलीस्ट 2 रात तो जरूर रुको यहाँ पे। तो दोस्तों, ये सामने चलते चलते हमको दिखा स्पाइस गार्डन टूर, चिराकल स्पाइसेस। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ पर एडल्ट है। और अब हम अंदर जा रहे हैं देखने के लिए, और आपको भी दिखाते हैं। कहाँ है वो इलायची, यही है ना? इलायची का पहले एक ही है। आपको सामने छोटा छोटा प्लांट दिख रहे हैं ना? हाँ, छोटा छोटा, ये छोटा छोटा, ये स्टीविया बोलता है, स्टीविया माने okay. में स्टीविया, हाँ, सुगर का बदल। राइट, नेचुरल हर्बल स्वीटनर, मतलब डायबिटीज है नहीं है, मतलब नहीं है आपको, ये स्टीविया यूज करेगा तो कम सही करेगा, मतलब ये शुगर फ्री से भी अच्छा होता है। इलायची सिर्फ नीचे उगता है, ऊपर में कोई फायदा नहीं। अच्छा, इसका सीजन बोलेगा तो जुलाई टू मार्च है। ओके, जुलाई आ गया तो ऐसे डंडी आ जाएगी। ओके, इसमें ज्यादा ब्रांचेस मिलेगा, एक ब्रांच में 10 इलायची को ऊपर निकालते हैं। इट इज द फर्स्ट वन, आई मीन द बंच इज द फर्स्ट वन इन जुलाई, आफ्टर 45 डेज इट्स बिकम फ्रूट। ये पक्का है, काला दाना है तो पक्का है, टेस्ट कर लो। ये देखो इलायची, पूरा काला होने देते हो आप फिर तोड़ते हो इसको? हाँ, तोड़ते हैं। या कच्चा तोड़ते हो? नहीं, काला होने के बाद एवरी 45 डेज। अभी सफेद दाना है ना, सर के पास तो काला दाना, काला दाना फल है। ओके ओके, यहाँ से निकाल के फायरवुड फैक्ट्री में डालते, 60 डिग्री सेंटीग्रेड में 24 आवर सुखाएगा तो दुकान में मिल रही है ना, अच्छा वो इलायची बन जाएगा, वैसा बन जाएगा। लेकिन एक्सपेंसिव है, 6 किलो मशीन में डाले, सुखाने के बाद 1 किलो मिलेगा। 6 किलो में 1 किलो, 5 किलो का किलो मतलब रॉ डाला तो 1 किलो बन जाएगा, इसलिए महंगा है। का पानी सारा सूख जाएगा, अंदर का दाना आपको खा सकता है, टेस्ट कर। वो मैंने खा के देखा ना, इसमें ये पक्का है ना, है ना, मस्त इलायची है, कच्ची इलायची। तो एक गार्डन में कितना इलायची ग्रो होता है? ये स्पाइस गार्डन ऑलमोस्ट 400 एकड़ है। 400 एकड़ 100 एकड़ में 100 एकड़ इलायची बनी हुई, 100 एकड़। तो फिर जब इसको बोना होता है तो फिर आप क्या करते हो, इसके बीज को ही अंदर डालते हो, कैसे बोते हो? डालेगा तो आपको पौधा आ जाएंगे, हाँ 5 साल इंतजार करने पड़े। ये इलायची का ही है क्या, बड़ा वाला? हाँ, ये इलायची का पेड़ है। अच्छा, और क्राफ्ट में उगती है बेसिकली, ये सीड में उगेगा तो 5 साल इंतजार करने पड़ेगा। क्राफ्ट मेथड ऐसा, बच्चा ट्री है ना, मदर ट्री का बच्चा ट्री के कट करके दूसरा जमीन पे रखेगा तो 3 साल में आपको फायदा आ जाएगा। अच्छा, फिर साल पे आपको जुलाई टू मार्च तक आपको इलायची मिलेगा। एक पेड़ कितने साल तक देता है? ये केला का दर पे आते रहता है, आते रहता है, बूटा हो गया था कट करूंगा। कभी फायदा कम हो रही है वो टाइम प्लांट चेंज करने। फिर रेस्ट ऑफ द आइटम आपको डेमो पीसेस में देख सकता है, आपको सामने मिल रहा है ये दालचीनी का है, दालचीनी का पेड़ है। हाँ, दालचीनी मुझे 2 वेरायटी मिलेगा, एक ऐसा लकड़ी के जैसा बार्क वाली, दूसरा सिगरेट के जैसा गोल वाली। फर्स्ट लाएगा ऐसा चाकू में चिल करेगा तो बार्क, यू विल गेट द बार्क।
ओके। सेकंड लेयर मशीन में कटेगा तो गोल वाली। ओके। इसी का पत्ता तेज पत्ता है। अच्छा, ये तेज पत्ते का ही पेड़ का? हाँ, दालचीनी का, दालचीनी का पत्ता है, तेज पत्ता है। अच्छा, दालचीनी पेड़ के जो पत्ते हैं वो तेज पत्ता है। ये ऐसा ऐसा फंगस आ रही है ना, ये पत्थर फूल बोलता है, पत्थर फूल माने में स्टोन फ्लेवर, स्टोन फ्लेवर। तो ये भी किसी में यूज होता है क्या? ये मसाला में यूज करते हैं। अच्छा, इसमें तीन आइटम है, दालचीनी का, तेज पत्ता एंड स्टोन फ्लेवर, पत्थर फूल। अब जा रहे हैं आगे कुछ और देखने, देखते हैं क्या दिखाते हैं। ये काली मिर्च, पेपर, पेपर इस क्लाइम पर, ब्लैक पेपर, पेपर इस क्लाइम पर। आपको किसी चाट पे चढ़ते हैं, टेस्ट कर दो ये पीस निकल के। ये आपको सामने है ना, हाथ पे मेरा, ये पूरा खा सकते हैं इसके अंदर निकलते हैं। आपके ट्राई करो, ब्लैक पेपर करो। मुझे तो इसको भी मशीन में सुखा के दे? नहीं नहीं नहीं, ग्रीन कलर से निकालेगा तो इसमें से अचार बन जाएगी। अचार, ओके। वहाँ छोड़ेगा तो लाइक कचेरी कलर आ जाएगी, ओके, रेड। फिर धूप में सुखाएगा तो काला हो जाएगा, ओके। वो ब्लैक पेपर है, ओके। वो फ्रेश लाल कलर का मशीन में डाल के छिलका उतार के सफेद करके अंदर का दाना सुखाएगा तो व्हाइट पेपर बन जाएगा, व्हाइट पेपर, सफेद मेरी। ओके, सच ए ह्यूज ट्री, ऑलमोस्ट 250 इयर्स ओल्ड। आप सुनाए रेड सैंडल, लाल चंदन, रत्न चंदन, राइट राइट, पुष्पा बोल के मूवी भी आया। इसका सेंटर पोर्शन ओनली फायदा, लॉट ऑफ डिमांड इन चाइनीज जापानीज बिकॉज दे यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, जिटार, वायलिन, पियानो एज वेल एज कॉस्मेटिक्स। यू टेक लिटिल क्वांटिटी ऑफ रेड सैंडल पाउडर, अंबा हल्दी, मालूम है अंबा हल्दी, कसूरी टर्मरिक, एलोवेरा जेल एंड मुल्तानी मिट्टी, वन ऑफ द बेस्ट फेस पैक फॉर वुमन। फॉर जेंट्स यू हैव टू रिमूव द कस्तूरी टर्मरिक, कस्तूरी टर्मरिक अननेसेसरी हेयर रिमूवर, जेंट्स यूज करेगा तो फिर मूछ नहीं आएगा। अंदर ही अंदर जा रहे, अप्रैल मई में ड्रिल करना है, ओके, ड्रिल करके इसका गोंद निकालते हैं, ओके, गोंद का पेड़ है ये, लाइक सैप। इसका साथ मैदा या इधर आटा मिक्स करेगा तो पाउडर में मिलेगा, वो डपी भी नहीं कहता, कंपाउंडेड असफोटिडा, कंपाउंडेड मीन्स डाइल्यूटेड। दूसरा गड़ा हींग, हमारा दुकान में गड़ा हींग ओनली देयर से दी, प्योर हींग है वो, ओके, प्योर हींग है, हाँ हींग, ये हींग का पौधा है, हाँ। सो ऐसा छोटा बच्चा लोग को, लेडीज को बेड के प्रॉब्लम में पानी में खींच के नेवल पे लगा सकता है और रसम सांबार अचार में यूज कर सकता है, डाइजेशन गैस वगैरह के लिए अच्छा दवाई। लेकिन यूकेलिप्टस ऑयल मिलेगा आपको कफ कोल्ड हेडेक माइग्रेन के लिए, कैसे यूज करना है, देयर इज द वे टू यूज, हाउ टू यूज। हां जी, फोरहेड में थोड़ा काटन में लेना, कर्चीप में, फोरहेड में राइट साइड लेफ्ट साइड, कान के नीचे राइट साइड लेफ्ट साइड सूंघना है, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, नहीं है तो स्टीम लेना, स्टीम वाले में स्टीम रहेगा तो प्रॉब्लम क्लियर। यूकेलिप्टस, मैं अभी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, क्लोव कहते हैं, क्लोव, सुनो बेटा, हाँ देख कितनी तगड़ी स्मेल है, इसका छोटा छोटा फूल आ जाएंगे। अच्छा, तो फूल से क्लोव बनता है? हाँ, इसका ऊपर सीड्स होती है, सीड्स के क्लोव वो बनेगा, क्लोव, नहीं नहीं नहीं, तो इसका ऐसा ढूंढ रहे हैं, वो दिख जाए तो, ये बड़ा हो जाएगी, इसका टॉप देखो, अच्छा सफेद है ना, द पेटल विल ओपन, अच्छा ओके, फिर बंद हो जाएगी, बंद होने गांठ बन जाएगी, हां ये ऑटोमेटिकली इट्स क्लोज्ड, वो टाइम आपको पर्पल कलर रहता है, पर्पल कलर, अच्छा, नीचे से जमीन पे प्लास्टिक रख देना, ट्रिकी कलर ना, सारा गिर जाएगी, धूप में ड्राई करेगा तो आपको दांतों के लिए टूथ एक, वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर गरम मसाला, गरम मसाला कहते हैं ना, लॉन्ग चबा लो। ये जो फूल है फ्लावर से, ये किसके है? ये उसी के, किशमिश, इलायची का ना फ्लावर, सफेद फूल, सिंगल पेटल, हाँ ये देखो इलायची के फूल देख रहे हैं ना, फल ये वाला, ये रहा, ये ये फूल है, ये फल वहाँ पर है ऊपर, देखो ऊपर, अच्छा हाँ, ये
अभी तो केरला में घूम रहा है, लॉट ऑफ स्पाइस देयर, आयुर्वेदिक मसाज सेंटर्स, हाँ जी हाँ जी, वहाँ जाएगा तो बहुत पैसा मांगता है। हाँ। इसका तेल बनाता है रक्षा बॉडी मसाज ऑयल, रक्षा कभी चाहिए, मे बी टायर्ड, मे बी नर्वस प्रॉब्लम, मस्कुलर प्रॉब्लम, वो टाइम सर चोड़ के मसाज करना है, यू कैन डू इट यूर सेल्फ, समबडी हेल्प, देन स्टीम बाथ ले, नहीं है तो गर्म पानी के साथ आयुर्वेदिक शैम्पू आइटम से साफ करना है, बॉडी बिकम रिकंडीशन। ओके, बोलते क्या है, रक्षा रक्षा बॉडी मसाज ऑयल, उन्हें तो बेस्ट कॉफी इन द वर्ल्ड, कॉफी अरेबिका, देखो इसका फल देख रहे हैं ना, हाँ, लाल कलर का, रेड कलर का, हाँ दिख दिख रेड कलर का, अंदर ऐसा दो दाना मिलेगा चटक करने पे, देखो ये काफी देने अंदर से तोड़ने पे, हाँ, कलर ये ऐसा रेड कलर का तोड़ेगा तो दो दाना आ जाएंगे। ओके, ये दाना अभी खुशबू नहीं मिले, नहीं मिलेगा, सूखने के बाद ड्राई करना है, बाद में रोस्ट करना, रोस्ट करेगा तो काफी का अरोमा है, रोस्टेड बीन अवेलेबल इन द मार्केट, जस्ट यू बाय इट, ग्राइंड इट, दैट इज फिल्टर कॉफी, राइट, फिल्टर कॉफी से पसंद है तो सीधे यूज करना, नहीं है तो कुछ फ्लेवर ऐड करो, जिंजर, वैनिला, स्पाइस कॉफी, कोको पाउडर मिक्स करेगा तो चॉकलेट कॉफी, मोका, राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया ट्री है, 450 इयर्स मिनिमम, 450 इयर्स, ये रुद्राक्ष का है, रुद्राक्ष माने में रुद्राक्ष, हां हां, इस पे वो भी लगी हुई है शिव जी के जो होते हैं, क्या बोलते हैं, काली मिर्ची, काली मिर्च चढ़ेगा, किसी चार पे चढ़ेगा, बेल की तरह चढ़ रही है, या इट्स क्लाइंबर है ना, हां, इट कैन क्लाइंब, ये नो पैरासाइट, खाली चढ़ेगा ऊपर, अच्छा, फिर सीढ़ी लगा के वन बाय वन प्लग करना है, तोड़ना है, अच्छा, रुद्राक्ष बोलेगा तो इसमें 99% पंचमुखी रुद्राक्ष, 99%, ओके, पंचमुखी मतलब पंचभूत, फाइव एलिमेंट्स, कॉमन आइटम, इसमें एक मुखी रुद्राक्ष, शिव जी का ठेड़ा ही बोलता है, आपको साथ रख दो और कली में बहने दो, हार्ट बीट, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, टेंशन, मनशांति के लिए एक मुखी, दो मुखी रुद्राक्ष बोट सेफ रहेगा, बोट शिव पार्वती, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए बेडरूम में कीप करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तीन मुखी रुद्राक्ष वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर हाउस, छुपा के रखना है, डोंट शो नेबर्स, बुरी नजर के लिए, घर पे रहने वाला को हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष, मेनली बुरी नजर के लिए, ईविल आईज, चार मुखी ऐसा बच्चा लोग को पढ़ाई के लिए, पढ़ाई नहीं नहीं पढ़ाई बॉक्स है ना, टेबल में बॉक्स में रख दो, पढ़ाई रूम सेपरेट है तो वहाँ रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओरिजिनल है तो काम करेगा, अगर नकली है तो फैक, हाउ डू यू आइडेंटिफाई, टेक मैच बॉक्स, टेक आउट वन स्टिक, फायर द रुद्राक्ष, एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक फाइबर, वुड, आर्टिफिशियल, फैक, क्या होना चाहिए, चल जाएगा, मेल्ट हो जाएगी और बैड स्मेल आएगा, ओरिजिन रुद्राक्ष ऐसा चलता नहीं है, जनरेशन के लिए रहता है, एग्जाम्पल मी, आई एम बी मैकेनिकल एयरकॉन इंजीनियर, आई वॉज देयर इन सऊदी अरेबिया जेटा, When I came here as a vacation, I got very big motorcycle accident, broken here and the neck. You see, yeah, right? This Rudraksh, I will show you, belongs to my grandfather, still alive. I have this. You can see the line, straight away one line. Yeah. Yeah, yeah, come here. बेटा देखो बेटा, ओके, तो जितना लाइन होगा उतना मुखी होता है, उतना मुखी, बट ये जो साइड्स में लाइन है, दैट्स नो नो नो, नॉट काउंटेड, ओनली ये जैसे हो गया ना, कोई फ्रूट की तरह इसको यहां से ऐसे खोला तो वो एक लाइन हो गया, चिपका हुआ जैसे वन लाइन, तो ऐसे दो लाइन होगा तो टू मुखी, एक मुखी, मेरा ग्रैंडफादर प्रेजेंट दे दिया था हॉस्पिटल से, बट दिस एरिया नो मोर एयर कंडीशनिंग, नो नीड एयर कंडीशनिंग, नो इंडस्ट्रियल एट ऑल, काम करना है लेबर का करो, नहीं है तो टूरिज्म, टूरिज्म नीड एजुकेशन, टूरिज्म नीड लैंग्वेज, इसलिए गाइड बन किया, मेरा चाहे एक बेटा बेटी है, छोटा मोटा तनख्वाह मिलेगा, ऐसा आदमी को कुछ टिप वगैरह मिलेगा, कह रहा है तो इसमें अभी नहीं है वो चंद मुखी, ये इट्स बिलोंग्स टू ट्राइब्स, ओके, आदिवासी पीपल है ना, हाँ, अप्रैल मई में दे आर कलेक्टिंग द फ्रूट, रिमूव द स्किन, डिप इट विथ मस्टर्ड ऑयल, देन दे आर सेलिंग टू द गवर्नमेंट, लाइक दिस सोसाइटी, Either temples, Guruvayur, Sabarimala, Siradi, Tirupati, etc. मतलब हमें शॉप से नहीं मिलता है ये. शॉप से, don't buy it on online. Many duplicate item. Who is allowed to fire the Rudraksh? It's mean they are selling original. Who is not allowed to fire the Rudraksh? They are selling duplicate. ये दुकान में मिलेगा. और तो क्या-क्या देखा मैडम हमने यहाँ पे? Checklist में ये भी पास हो गया. अभी हमने रुद्राक्ष देख लिया. रुद्राक्ष का सबसे पहले इलायची देखा, पहले इलायची देखा है, फिर हमने काली मिर्ची का पेड़ भी देखा है, अभी इसमें भी फल, बहुत कुछ देख लिया, इसमें भी फल नहीं है, हाँ जी, लेकिन जायफल का है, जायफल है ये,
मालूम है ना जायफल? ओके, यस यस यस। ऐसा किसी को रात को नींद नहीं आ रही है, थोड़ा जायफल का पाउडर ले, दूध में मिला के पियो, आराम से सो जाएगा। डाइजेशन के लिए, डायरिया के लिए वो यूज कर सकती है। थोड़ा सा यूज करेगा तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? ऐसा पिंच पिंच थोड़ा सा यूज करेगा तो दवाई, ज्यादा यूज करेगा तो ड्रग्स बन जाएगा। दे आर यूजिंग फॉर विंडर ग्रीन ऑयल फॉर आर्थराइटिस, पेन के लिए, पेन किलर। भाई मेरे को तो सभी जरूरत है ऐसा लग रहा है। ये नॉर्मल चंदन का पेड़ है। अच्छा, सैंडलवुड। तो आप जो बाहर शॉप पे रख रहे हो वो अपने ही फार्म के रख रहे हो या फिर कहीं और से भी आप लोग? कसकस, जीरा, साई जीरा, सोंफ वगैरह इधर नहीं ग्रो करते, यही नहीं ग्रो होता है। आदिवासी पीपल ऊपर है ना, हाँ जी, माउंटेन का ऊपर, दैट पीपल दे आर कल्टीवेटिंग, दे आर कम टू सेल हियर फ्रॉम हियर। और बाकी चीजें? हाँ, जो तेल वगैरह आप हमें बता रहे हो, ये सब तेल वगैरह, वी आर गिविंग, वी हैव ऑलमोस्ट 10 एकर प्लांट्स। ओके, दैट प्लांट्स दे आर कलेक्टिंग द हॉस्पिटल। ओके, फ्रॉम द हॉस्पिटल दे आर प्रिपेयरिंग ऑयल्स। ओके, देन यू गिविंग यू विद ब्राउजर, विद ब्राउजर इन फ्रंट ऑफ यू। कोको, चॉकलेट वगैरह बनाते हैं कोको, ऐसा छोटा। इसी देखो, चॉकलेट का पौधा है, देख रहे हैं? नहीं, पपीता का तरह, इससे चॉकलेट इसके अंदर से निकलता है ना। ये लेमन कलर होना चाहिए, येलो। अच्छा, येलो, येलो हो गया तो राइप फल ले। ओके, तोड़ो लाइक सीताफल का जैसा, अंदर कोको बटर है। ओके, कोको बटर खाने के लिए स्वीट है, अदरवाइज दे आर प्रिपेयरिंग एज ए कॉस्मेटिक्स, स्किन मॉइस्चराइजर, जिया बटर, जूस, जाम, देन मेनी सीड्स इनसाइड लाइक आलमंड। ओके, कॉफी के जरा ड्राई करना है, रोस्ट करना है, पाउडर करना है, पाउडर कड़वा दूध में, टी, कॉफी, केक में यूज कर सकती, नहीं है तो डार्क चॉकलेट्स। कितना चाहिए आपका? राइट, डार्क चॉकलेट, लॉट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट इज देयर, इट्स गुड फॉर हार्ट। पर डे 20 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट खाएगा तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट इंडियन स्टैंडर्ड वी हैव 70-75% मैक्सिमम कोको। इफ आर गोइंग इन अफ्रीकन कंट्री लाइक गाना, that people they have 90-95% बहुत कड़वा है, बेटा बहुत कड़वा है। 75% भी मैंने टेस्ट किया, वो रेस्ट ऑफ मे बी दे आर यूजिंग मिल्क, हां मिल्क, आर्ड शुगर मे बी, जागरी मे बी, आई हैव ईटन द 60% ऑलमोस्ट। बट तो ये जो है हमारा स्पाइस गार्डन का टूर फिनिश, अब शॉप में जाके जो रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स है वो देखते हैं और वो देते हैं। क्या है? वनीला। अब ये यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है चर्च के पास से। अभी हम अंदर अंदर गांव-गांव के रास्ते से आए हैं, मतलब लोकल लोगों के घर ज़्यादा थे इस तरफ, पोपारा सिटी। आकाश देखो कितना साफ है, बादल का जो क्या कहते हैं इसको, फॉर्मेशन है वो भी सुंदर है, बिल्कुल गोवा जैसी वाइब दे रहा है ये वाला एरिया तो। दोस्तों ऐसे ही रोड है पूरे मुन्नार से लेके थेकड़ी तक, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा यदि आप मुन्नार आ रहे हो और थेकड़ी भी जाना है आपको, तो इससे बेटर है कि आप थेकड़ी के अंदर जो है एक नाइट स्टे के लिए थेकड़ी में रख दो, क्योंकि किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो रोड है वो ऐसी नैरो रोड है, इस नैरो रोड के चक्कर के अंदर आपका रास्ता जो है छोटा हो जाता है, तो घुमावदार रोड के चक्कर के अंदर आप लोग जो है परेशान हो जाओगे, क्योंकि जाओगे वापस रात को, क्योंकि प्रोग्राम जो होते हैं वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होते हैं,
तो उसके बाद यदि अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरे में आप ऐसा जगह पर जाने से बेटर है कि उजाले वाले रास्ते पर जाओ। तो दोस्तों ये है पुनियल माला और ये बंगलो है जो बंगलो का फोटो खींच रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, और ये रोड है, रोड सारे ऐसे ही है, पीछे थोड़े और नहरों थे, यहाँ थोड़े थोड़े बड़े हो गए अभी रोड, और अभी भी जो है 24 किलोमीटर बचा है, 39 मिनट लगेंगे पहुँचने के अंदर। कितने ह्यूज गणपति हैं, हमको यहाँ दिखे तो हमने दिखा दिया आपको भी। इस जगह का नाम है एलिफेंट जंक्शन। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं थेकड़ी, बस अब जा रहे हैं अपने रिसॉर्ट के ऊपर जो कि हमारे रिसॉर्ट का नाम है स्टर्लिंग। तो देखते स्टर्लिंग प्रॉपर्टी थेकड़ी की कैसी है और आपको भी दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज़ हैं। अभी भी 2 किलोमीटर बचा है, 5 मिनट का रास्ता है जो कि यहाँ से राइट लेना है, फिर यहाँ से आगे से लेफ्ट लेना है। ये जा रहा रास्ता सबरीमाला 109 किलोमीटर है यहाँ से, पर हमको नहीं जाना वहाँ तक, हम जा रहे हैं स्टर्लिंग के अंदर। यहाँ पे पुराने ज़माने वाली महिंद्रा चलती है अभी भी। तो दोस्तों हमें इस सिटी के अंदर बहुत सारे स्पाइसेस गार्डन और स्पाइसेस शॉप बहुत सारी दिखी है अभी आते हुए। उस जब हम पीछे गए थे टूर पे तब तो वो एक ही दिखा था ऑन द वे जिसने हम चले गए थे, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस बहुत सारे हैं। थेकड़ी में आप आ रहे हो तो थेकड़ी के अंदर आप स्पाइसेस जो है यहीं से ले सकते हो, बहुत अच्छा है, डिस्काउंट अच्छा मिले यहाँ पे, वहाँ पे तो कोई डिस्काउंट दिया नहीं, MRP पे सेल किया उन्होंने। और बस हमारा 150 मीटर बचा है, देखते कहाँ है स्टर्लिंग, लेफ्ट साइड में ही दिखा रहा है 30 मीटर आगे से ही रास्ता होगा, यही है। अच्छा ओके ओके, यही वाला था। तो दोस्तों दिख रहा होगा आपको सामने स्टर्लिंग थेकड़ी, पहुँच गए हमारी डेस्टिनेशन स्टर्लिंग थेकड़ी। अब अंदर एंटर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं प्रॉपर्टी कैसी है। चलो ये देखो ट्रेन का जो इंजन होता है ना वैसा लग रहा है, ये पड़ा हुआ इंजन ही है, ये ट्रेन का इंजन यहाँ पे लगा रखा है, और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अभी अंदर जाते हैं तब आपको और दिखाते हैं। ये कुछ इस तरीके दिखती है एंट्री यहाँ पे। ओके ये रहा रिसेप्शन एरिया, इस तरह इधर रिसेप्शन एरिया है और अंदर से कुछ ऐसा है। वाइफ की आइटम्स लगी हुई है, यहाँ एक शॉप भी बना रखी है इन्होंने, अंदर से कुछ लेना हो किसी को तो शॉप में से ले रखे हैं, ले सकते हैं, कुछ इस तरह का है। और अभी अपने रूम में जाते हैं तब दिखाते हैं आपको। मेरे ख्याल से सामने रेस्टोरेंट एरिया है। ये रहा हमारा रूम नंबर 608, वैसे 6608 है बट कार्ड पे 608 है। हाँ ये देखिए कि कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे 1 बेड लगा हुआ है और यहाँ पे सोफ़ा लगे हुए हैं, 2 टेबल है, यहाँ पे डाइनिंग एरिया दे रखा है, कॉफ़ी मशीन दे रखी है, सॉरी कॉफ़ी कैटल दे रखी है, एक बड़ा सा मिरर दे रखा है। एंड आ जाते हैं इस तरफ। ओके ये है मेन रूम, 2 बेड लगा हुआ है, सामने ड्रेसिंग एरिया है, कबर्ड है, इधर टीवी है, कुछ इस तरह का लग रहा है, ऊपर पंखा है और एसी भी है। अच्छा बालकनी भी है भाई यहाँ पे। चलिए अब आ जाते हैं वॉशरूम की तरफ। जैसा होता है वॉशरूम जनरली छोटा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक है सारी एमिनिटीज़ है ऑलरेडी। तो दोस्तों हम जा रहे हैं यहाँ से, अब जो यहाँ का जो डांस है प्रोग्राम है जिसके लिए हमने वो टिकट बुक कराए थे और जिसके लिए कि थेकड़ी फेमस है, तो वो हमारे यहाँ से 800 था, लेकिन हमारे होटल के जो सिक्योरिटी गार्ड है पार्किंग वाले ने भैया उन्होंने बोला कि भैया आप गाड़ी लेके जाओगे तो वापस आने में आपको बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाएगा और वहाँ पर पार्किंग के लिए पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो बोले ऑटो से जाओ सेफ है और पास में ही है, 800 मीटर्स ही हमारे होटल से। तो अभी बस जा रहे हैं और फिर आपको भी दिखा दें वहाँ पहुँच कर कि वहाँ का क्या नज़ारा है। ये तीनों बैठे हुए देखो फॉर दैट मार्शल आर्ट डांस में।
6 to 7 में। ये हम एंट्री कर रहे हैं, हमारा जो रो नंबर है 89 to 91 89, 90, 91 बढ़िया। पापड़ी जा रहे हैं आगे की तरफ, ये पूरा मार्केट है ठेकड़ी का, और हमारा होटल यहाँ से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर है। चलो पहले चाय पी लेते हैं, वो चॉकलेट वर्ल्ड भी है। और अब हम आ गए हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि हमने शाम को ये अटेंड करना था, इसलिए हमने चाय पिए बिना ही पहले अटेंड करने आ गए थे। चाय वाला चाट वाला है, लेट्स जस्ट ड्रिंक टी फर्स्ट देन एक्सप्लोर। चाय भी है, ईरानी चाय है, ईरानी चाय बिस्किट के साथ दिए भैया ने चाय। ये रही हमारी ईरानी चाय। हाँ जी भाई, ठीक है, ठीक है, आई लाइक इट और नॉट। देखो दोस्तों, इधर भी पूरा मार्केट आ गया तक, लेकिन हमको जाना नहीं है, हमको तो इधर लेफ्ट में जाना है। ये देखो ये चर्च है, इस चर्च के पास से ही लेफ्ट में मुड़ना था, और वहीं पे जो कथाकड़ी वाला जो था वहीं पे हम गए थे। और ये पूरा मार्केट इस तरीके से, तो एंजॉय कर सकते हो आप लोग। ये रोड के दोनों तरफ इस तरीके से लगा है, जैसे हम हरिद्वार में घूम रहे हो, जबकि हरिद्वार नहीं है, थेकड़ी है। वैसे हरिद्वार में रोड इतनी बड़ी नहीं है, जो इसका सिंगल रोड है उतना ही रोड है वहाँ पे। तो ये टीका लगाया उन्होंने जब हम बाहर निकले थे वहाँ से, तो हर किसी को टीका लगा रहे थे वहाँ पे। तो इस तरीके का है पूरा ये बना हुआ मार्केट टेकड़ी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये टेकड़ी की सीरीज़।
मतलब टेकड़ी वाला एपिसोड, सीरीज तो नहीं टेकड़ी का एपिसोड है। अभी जा रहे हैं वापस होटल पर पैदल पैदल वॉकिंग करते हुए, क्योंकि घूमना हो ही नहीं पा रहा, गाड़ी में आ रहे हैं गाड़ी में जा रहे हैं, तो अभी मौका मिला है पैदल पैदल जाने का, तो पैदल पैदल जा रहे हैं अपने होटल तक और फिर वहाँ जाके डिनर करेंगे और आपको दिखाएंगे डिनर में क्या क्या है वहाँ पर। तो देखो दोस्तों, इस तरीके का आपको जब जाओगे आप ये देखने के लिए कड़ा तनंदन कलारी सेंटर के ऊपर, तो इस तरीके के पास मिलेगा, मतलब टिकट मिलेगा, 300 रुपये का पर पर्सन का टिकट है, और शो टाइमिंग लिखा हुआ 6 से 7, 8 से 9 था हमारा, 6 से 7 था, इसने 6 से 7 पे टिकट लगा रखा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरुआत हो गई है अगले दिन की थेकड़ी के अंदर ही, और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो अभी आपको जाकर दिखाता हूँ स्टर्लिंग का जो रेस्टोरेंट है वो किस तरीके का है, वो आपको नजर आएगा। अभी हम आए हूँ लिफ्ट के अंदर, कॉफी है, ब्रेड है, ब्रेड सैंडी रहेगा, फ्रूट्स, लेमन, पोहा, पोंगल, एग रोल, इडली, रसम, भटूरा, चना मसाला, उपमा, बर्गर, इधर ग्रीन पीस करी और बेक बीन्स, और इधर नॉन वेज आइटम है बॉयल एग और स्क्रम्बल एग। चलो नाश्ता करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरुआत होगी एक और नए दिन की। आज हम निकल रहे हैं थेकड़ी से वर्कला के लिए। हमारा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी और मेरी फैमिली भी कभी हम गए नहीं हैं साउथ के अंदर, वर्कला भी हम नहीं गए। जो जो हम जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं और आपको भी दिखाता जा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट जरूर बताइए कि कैसा लगा, कहीं कुछ चेंज करना है वीडियो में तो वही बताइए, क्योंकि ये लर्निंग स्टेज है, तो जैसे जैसे आप कमेंट बताओगे वीडियो बताओगे तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा और उसको आगे करेक्शन किया जाएगा। बट अच्छा लगता है यदि आपको इसी तरीके से लाइक एंड शेयर करते तो आगे। ये देखो नज़ारा, नीचे एक टेम्पो वाला है, येलो कलर का टेम्पो दिख रहा होगा, दूध वाला है वो, और घर के अंदर दूध देता हुआ जा रहा है। देखो ये सामने का भी वाइट कलर का गेट है, येलो टेम्पो घर के पास, येलो टेम्पो के पास जो वाइट वाला गेट है राइट साइड में, वहाँ पे उसने अभी दूध दिया था, इसने मुझे पता चला। और देखो नीचे एक नाला बह रहा है पानी का, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं यहीं पर ही, और हमारा फ्लोर था 6th फ्लोर होटल स्टर्लिंग के अंदर, और नज़ारे देखो मस्त। चलिए चलते आगे।